रिसेंटली मतलब लोग ऐसा था कि लैंड करा दे वाला भाई या पैराग्लाइडिंग वाला भाई, इस नाम से लोग जानने लगे। अरे अरे आसमान की ऊंचाइयों में कोरा ही कोरा। अरे हाय सर, सो मच फन मैन। हाय विपिन कुमार, क्या हाल है? बढ़िया सर, बताइए सर अपने बारे में बताइए। सर एक्चुअली क्या है ना मैम, ये स्पेशली आपके लिए था। एक्चुअली बाहर धूप बहुत ज़्यादा है तो मैं चाह नहीं रहा था कि वो चांद से मुखड़े पे सूरज की किरण पड़े और कोई भी स्पॉट आए। तो आपने क्यों पहना, ये तो मुझे पहनना चाहिए। अब मैं आऊँगा और आप इसके अंडर अगर आना चाहें तो आ सकती हैं। कैसे आऊँ मैं? नहीं वो हो जाएगा मैम। आओ, इसका मतलब मुझे आपके बहुत नजदीक आना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ऊपर दाग पड़ भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है, इसको हटा कर ऐसे कर सकता हूं मैं। ये हमने स्कूल टाइम पहने हैं। मैंने कभी नहीं पहना। एक्चुअली इट्स वेरी कम हैंड फ्री है। वेरी कूल मैम। हाँ, मैंने कभी ऐसा चाहता नहीं पहना। गुड गिफ्ट। चलो नेहा, नो मोर धूपिया। वाओ नेहा, यू रेडी फॉर रोडीज? विपिन, विपिन अपने बारे में बताइए, आप कौन हो, क्या करते हो, क्यों आए हो? विपिन साहू नाम है सर मेरा। और रिसेंटली मतलब लोग ऐसा था कि लैंड करा दे वाला भाई या पैराग्लाइडिंग वाला भाई, इस नाम से लोग जानने लगे। अरे अरे आसमान की ऊंचाइयों में कोरा ही कोरा। अरे भाई बस लैंड करा दे। अरे भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, जो इसमें आया लैंड करा दे भाई एक बार तू बस। हाँ मैम, क्यों लग रहा है बहुत ज्यादा बेचारा? अरे देखिए वो हमसे भी सुर हो गए। कौन कौन? 2019 तुम्हारे नाम हो गया। हाँ मैं हूँ। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, और मैं आसमान की ऊंचाइयों में कोरा मैं हूँ, मुझे नीचे होता। वीडियो किया है? हाँ, मैंने एक्चुअली पैराग्लाइडिंग करी थी, मुझको एक्रोफोबिया है, मैंने फिर भी उसके बाद ही पैराग्लाइडिंग करी थी। जब आपको पता था कि आपको एक्रोफोबिया है तो आपने क्यों की? क्या है ना कि डर डर के जीने से अच्छा कि एक बार मर जाओ। हाँ ठीक है, सही बात है, फिलॉसफी अच्छा है। तो ठीक जगह पे आए हो आप। सुन, पहले तो तू इस पे चढ़ जा, इसको पकड़ और हवा में हो जा, और वो डायलॉग जो तेरा फेमस हुआ है वो एक बार ही कर दे। सर सर सर, 100-200 ज्यादा ले लो उसको। उतार सर, 100-200 ज्यादा ले लो। 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। 500 ज्यादा ले लो। 500 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे आज हमारा। उतार दो मुझको भाई, लैंड करा दे भाई। मैं डैश हूं, मैं डैश हूं। जिगजैग नहीं, नहीं 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 नहीं, टेढ़ा दे, टेढ़ा नहीं, टेढ़ा नहीं, जिगजैग नहीं। अंदर पैर ऊपर कर, ऊंचे कर भाई, पांव टूटेंगे क्या बंदा, ऊंचा कर। सर कसम से नहीं होते। अभी डर लग रहा है, अभी एक्रोफोबिया हो रहा है। नहीं सर तो खत्म तो कर, डायलॉग क्या था वो? गाली देकर करना पूरा वाला वो सर। अरे एक्चुअली जो इसमें आया मैं क्यों यहाँ आया? चक्कर मेरे भाई। ओके जब तक छोटे भाई ने खुन्नस में डाला था। छोटे भाई के उसपे कितना आ गया? 64-65,000। और उस वीडियो पे कितने व्यूज थे? 1 करोड़ से ऊपर है। 1 करोड़ से ऊपर है। और जो अलग अलग चैनल ने डाला था उनपे 5 मिलियन 6 मिलियन इस तरह हैं। बहुत मीम्स बने। सबसे फनी मीम आपने भी देखा होगा, आपके उससे मीम्स बने। सबसे फनी फनी क्या है? सबसे फनी तो एक वो था कि व्हेन आई एम फर्स्ट ईयर इन इंजीनियरिंग कॉलेज और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, लास्ट ईयर इन इंजीनियरिंग कॉलेज मैं जो यहाँ आया। he's hanging by his leg, तू जो इसमें आया। हाँ मैं नहीं, वो गिरने के बाद जब वो गिर गया, कह रहे वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं कि ये
कह रहा ये लेट के भी कह रहा है हाँ मैं भाई यार आपसे मिलके बहुत खुशी हुई यार genuinely बहुत खुशी हुई अरे सर थैंक यू सो मच सर ऑलराइट गाइस टाइम्स अप प्रेडिक्शन का टाइम बंद रोडीज आपने पहले देखा हुआ है हाँ सारे रेवोल्यूशन कैसे ला सकते सर दो चीजें हैं जो मेरे माइंड पे हैं एक तो लोग एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को मतलब होता बहुत ऐसा नहीं है सर कि सिर्फ मैं डरता हूँ आप ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी सर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसपे आपको डर लगता होगा जरूरी नहीं है हाइट से डर लगता हो हर किसी को डर लगता है लेकिन वो दिखाने से डरते हैं लोगों को अपनी लगता है कि मेरी बेइज्जती होगी अगर किसी को दिख गया ये मेरा डर तो वो गलत है और एक रिवॉल्यूशन जो मेरा अभी मैं करंटली चल रहा है वो ये है कि रोटी कपड़ा मकान और नौकरी तो रोटी और कपड़ा नौकरी ये तीन चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं रोटी कपड़ा हैंड फॉर ह्यूमैनिटी नाम से है मेरा तो उसमें मैं कोई डोनेशन नहीं लेता हूँ किसी से जो भी मेरी इनकम होती है उसका 5-8% निकाल के मंथली वो मैं करता हूँ तो कितने लोगों को आपने आज तक खाना खिलाया होगा और कपड़े दिए होंगे मंथ में एक बार करता हूँ और मोर देन 50+ होता है लखनऊ में लखनऊ बांदा और चित्रकूट और ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये मैं किसी के ऊपर फेवर कर रहा हूँ या एहसान कर रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है दैट्स आवर ड्यूटी और मुझको नहीं ये हर उस इंसान को करना चाहिए जो इतना कैपेबल है कि वो अपने से छोटे भाइयों को वो एक्चुअली हमारे छोटे भाई बहन ही हैं जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं वो कैपेबल नहीं उनको नौकरी दे सकते हम कोई भी छोटा सा बिजनेस दे सकते स्टेबल करके जिससे वो कमा लें ना कि एज अ भीख दें उन्हें यू आर वेरी दिस इज वेरी नाइस सर आप कर रहे हो तो ये तो आप ऑलरेडी बदलाव कर रहे हो अब आप रोडी से क्या चाहते हो लोग मेरी जो इमेज है ना वो ऐसी है कि बहुत मतलब जैसे अभी कहीं जाता हूँ भाई एक बार वो डायलॉग बोल के मैं मतलब वो करना है तो मेरे पास वो भी आते हैं लोगों के डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे 100-200 डीएम्स पड़े ही रहते हैं कि और भाई कैसे हो तो मैं अगर चाहूँ ना तो उसको भी मैं क्या कर सकता हूँ मैं भी गालियाँ दे सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ हाँ भाई बढ़िया हो तू बता कैसा है तो उसके बाद भाई बिग फैन फिर वो आ जाता है मतलब लोग पहले आते इस चक्कर से कि आर्ग्यू करेंगे तो मैटर बढ़ेगा लेकिन जब मैं वहाँ स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर देता हूँ उस चीज़ को तो मैं यहाँ पर आऊँगा अगर इन केस अगर ऐसा होता है कि आप लोगों की कृपा से आ पाता हूँ यहाँ तो एक टैग है ना सर वो चेंज होगा कि हाँ भाई उसके अलावा भी एक दूसरा फेज है इस इंसान का कि जो डरता जरूर है मेरी सर स्ट्रेंथ क्या है मेरा फियर ही मेरी स्ट्रेंथ है आपने रोडीज देखा है आप इन सबको दिखा दो कि यार मैं इतना फिट हूँ ये कर सकता हूँ शर्ट निकाल सकता हूँ कुछ भी कर सकते हो निकाल दे निकाल दे निकाल गाइस लास्ट वन मिनट जस्ट सी व्हाट ही इज कैपेबल ऑफ फिटनेस वाइज चलो अब लोगों को ये भी पता लग गया कि वन हैंड पुशअप्स ही मारता है भाई क्या बात सुपरमैन भी मारता है सुपरमैन Your 10 seconds start now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. I love you, sir. तू मेरा भाई है जो इसमें आया. मैम अब आप भी 100, 200, 500 नहीं 1000 ज्यादा ले लो लेकिन प्लीज कर तो दिया आपका एक लाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा कौन सर जो आपने कहा कि माय फियर इज माय स्ट्रेंथ एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन लर्न फ्रॉम दैट बहुत लोग घबराते हैं कुछ करने से कहीं जाने से गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन समथिंग बट समटाइम्स यू हैव टू मेक दैट फियर इनटू योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ थैंक यू सो मच आई थिंक यू नो People take themselves very seriously in life और आजकल ये भी बहुत ज़रूरी है कि people need to lighten up और आप वो आवाज़ भी बन सकते हैं